आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधायक, एसएसपी और अधिवक्ता की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने वाले 6 अभियुक्तों को कैंट पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। 5 मोबाइल फोन व 8 सिम कार्ड किया बरामद। एसएसपी ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा किसी को शेयर न करे अपना ओटीपी। शासन के निर्देश पर मंगलवार को चलाए गए वैक्सीनेशन के महाअभियान में जिला अस्पताल सहित जनपद में 209 केंद्रों पर रिकॉर्ड 61,897 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 56,262 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 5,635 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा प्रियंका भारती के मौत के मामले का एसएसपी ने किया खुलासा, कहा 5 डॉक्टरों की बनाई गई पैनल के रिपोर्ट में खुदकुशी का मामला आया सामने, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही। मनरेगा की व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षकों द्वारा दी गई उचित जानकारी। आरटीओ अनीता सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के सभी वाहन डीलरों की बैठक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर व ध्वनि प्रदूषण को रोकने के दिए गए निर्देश, कहा नियम का उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही। महापौर की अध्यक्षता में आयोजित नगर निगम सदन की 18वीं बैठक शोक प्रस्ताव के साथ हुई स्थगित। शोक सभा कर दिवंगत आत्मा को दी गई श्रद्धांजलि। 7 अगस्त को एनेक्सी भवन में आयोजित होगी अगली बैठक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,369। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 18 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। गोला क्षेत्र स्थित एक स्कूल के सीबीएसई बोर्ड के 12वीं परीक्षा में अनुत्तीर्ण 57 छात्रों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रेषित किया ज्ञापन। सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया आश्वासन, कहा जांच कराकर की जाएगी कार्यवाही। राष्ट्रीय जन कल्याणकारी परिषद द्वारा बीजेपी की नव नियुक्त महिला मोर्चा एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। इनके उज्ज्वल भविष्य की गई कामना। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय आवाम एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा क्षेत्रीय कार्यशाला का निर्विरोध संपन्न हुआ वार्षिक चुनाव। कैलाश प्रसाद अध्यक्ष तो अजय कुमार चुने गए शाखा मंत्री। नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने कहा कर्मचारी हित में करेंगे कार्य। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाए गए आंशिक नाइट कर्फ्यू का मंगलवार को भी दिखा असर। एसपी सिटी ने कहा कोरोना की तीसरी लहर आने की है संभावना, करें कोरोना गाइडलाइन का पालन, रहें सुरक्षित।